शहनाज ने सरनाज को कहा ड्रामा। सुना आपने, क्या कहा शहनाज ने? तो क्या सरनाज वाकई था सिर्फ एक ड्रामा, या फिर जो सरनाज को इतना भुनाया जा रहा है, हर जगह सरनाज की ही चर्चा है, उससे परेशान हो गई है शहनाज। वैसे देखा जाए तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ शहनाज और सिद्धार्थ के नाम की ही धूम है। बिग बॉस 13 खत्म हो चुका है, लेकिन लोग इन दोनों के जोड़ी को नहीं भूले हैं। फैंस को ये जोड़ी इतनी पसंद है कि वो शहनाज गिल को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहते। शो की शुरुआत हुई शादी के बाद चली। फैंस का गुस्सा इस कदर भड़का कि खुद शहनाज को क्लियर करने के लिए आगे आना पड़ा कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, मुझ पर भरोसा रखे। लेकिन लोगों को तब भी ये शो रास नहीं आया और अब तो शो को बंद करने की यानी बैन करने की भी मांग उठने लगी है। पर हम जानते हैं कलर्स इतनी जल्दी शो को बंद तो करेगा नहीं, पर बात यहाँ पर हम शहनाज की कर रहे थे। क्या शहनाज सरनाज की रट से वाकई तंग आ चुकी है? वो शहनाज जिनकी जुबान पर सिर्फ सिद्धार्थ का नाम रहता था, जिन्हें खुद सिद्धार्थ का नाम लेते शो मुझसे शादी करोगे में कई बार देखा गया, वो शहनाज सिद्धार्थ का नाम अब इस शो में चाहती ही नहीं और लड़कों को साफ कह रही हैं कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्हें कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ सिद्धार्थ नाम से कुछ नहीं होगा और सिद्धार्थ करना बंद करें। क्या चल रहा है सड्डी पंजाबन शहनाज के दिमाग विच? अब ये तो हमें पता नहीं, पर हाँ इतना जरूर है कि सिडनास कभी अलग नहीं हो सकते, ये तो हम भी जानते हैं। दरअसल ये बात शहनाज ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान कही, जब पारस और शहनाज को सिर्फ दो कंटेस्टेंट्स को सेव करना था जो टास्क के आधार पर सिलेक्ट किए गए, जिसमें पारस ने सेव किया जसलीन और संजना को, तो शहनाज ने सेव किया रोहन प्रीत और इंदीप बख्शी को। खैर आपका शहनाज के इस फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।